विश्व पिता तुल्य बौद्ध काल खंड अखंड जम्बुद्वीप भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य का उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण ने विश्वासघात करके धोखे से वार्षिक पौधोत्सव के दौरान हत्या कर दी और राजधानी पाटलिपुत्र पटना बिहार से भागकर साकेत नगर वर्तमान अयोध्या में आ गया और खुद को राजा घोषित किया। उसके बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 बौद्ध धम्म स्तूपा और बौद्ध विहारों को तोड़कर जलाया, नष्ट नाबूद किया, बौद्ध भिक्षुओं का लाखों की तादाद में कत्लेआम किया। जो बौद्ध धम्म विहार बहुत अच्छे थे और क्षेत्रफल में ज़्यादा थे और भारत देश के चारों दिशाओं में स्थित थे, उन्हें चार धाम में धर्मानंद ब्राह्मण धर्म में तब्दील कर दिया और बौद्ध साहित्य को जला दिया। और जो छोटे छोटे बिहारों को कब्जाए ब्राह्मणीकरण कराकर हिंदू मंदिरों में परिवर्तित कर दिया। आज भी ये बातें विदेशी यूरेशियन यामनिया मनुवादी पुरोहितों पंडितों ब्राह्मणों के छोरों को पता है, पर भारतीय पूर्वाश्रम के बौद्ध व आज के खंडित जाति में बिखरे 6,743 जाति का पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में विदेशी यूरेशियन यामनिया नस्लीय मनवादियों पंडित पुरोहितों ब्राह्मणों ने धर्म का अंधश्रद्धा बुआवाजी कर्मकांड रूढ़िवादी परंपराओं का खंड कथाओं का भूसा जो भर दिया है। आज भी ये लोग अपनी पीढ़ी जात बाप को बुलाकर विदेशी यूरेशियन यामनिया मनवादी ब्राह्मण को अपना बाप समझते हैं और उनकी गुलामी तलवे चाट कर रहे हैं। जो कौमें अपना वजूद तलाश नहीं करते, अपना इतिहास नहीं जानते, न जानने की कोशिश भी न करते, वो कौमें इतिहास क्या खाक बनाएगी। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।